गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है 12 जून। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। पीडीएफ के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। पहली बार विजिट कर रहे हो हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में इस तरह का बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुँच जाए। तो शुरू करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन आपने आंसर करना है प्रीवियस डे का। हु हैज़ वॉन फ्रेंच ओपन मैन सिंगल टाइटल 2019 का मैन सिंगल का खिताब किसने जीता ये बताओ। वुमेन सिंगल का किसने जीता वो भी ऑप्शन में अवेलेबल है, उनका नाम भी आप मुझे बताओ, कौन कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं ये भी आप मुझे बताएंगे। अब शुरू करेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखो, जितने भी क्वेश्चन होंगे एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपने आपके आने वाले एग्जाम में ज़रूर आपकी मदद करेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेम द फॉर्मर प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान हु हैज़ बीन अरेस्टेड ऑन द करप्शन चार्जेस रिसेंटली। करप्शन के चार्जेस इन पे लगे, इनको अभी हाल ही में गिरफ्तार कर दिया गया जी। इनका नाम है जी आसिफ अली जरदारी। इनके फेक बैंक अकाउंट्स, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने फेक बैंक अकाउंट्स बनाए, फेक ट्रांजेक्शन्स की वजह से इन पे करप्शन के चार्जेस लगे, अभी हाल ही में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। ओके, इनका नाम है जी आसिफ अली जरदारी। 2008 से लेकर 2013 तक थे जी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट। ओके, ये याद रखना। एंड प्रेजेंटली प्रेजिडेंट कौन है जी पाकिस्तान के, वो हैं आरिफ अलवी, प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान। ओके, हमारा पड़ोसी देश है, बेसिक चीज़ें आपको पता है, इस्लामाबाद उसकी कैपिटल है, बाकी सी पीएम एंड प्रेजिडेंट बता चुका हूँ। ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोइन उल हक, अभी मैंने आपको लास्ट मंथ ही बताया था, पाकिस्तान हाई कमिश्नर टू इंडिया, मोइन उल हक, इनका नाम याद रखना है। एंड इंडियाज हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान अजय बिसारिया, तो इनका नाम भी आपको जरूर याद रखना है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ साइक्लोन डैट में हिट कोस्टल एरियाज ऑफ गुजरात। गुजरात में हिट कर सकते हैं इन द नेक्स्ट डेज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट फ्रॉम इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट विद द स्पीड ऑफ 110 टू 120 किलोमीटर पर आर। तो इस साइक्लोन, इस चक्रवात का क्या नाम होगा जी जो हिट कर सकता है गुजरात में, वायु, ठीक है, वायु नाम होगा जिसका, जो डेट मे हिट गुजरात इन द अपकमिंग डेज। फैनी का नाम आपको ज़रूर पता होगा, याद होगा आपको, उड़ीसा कोस्ट में ने हिट किया था, काफ़ी ज़्यादा लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ हुआ था ड्यू टू फैनी, वो भी याद रखना। एंड ये वायु हिट कर सकता है गुजरात में। एंड साइक्लोन से, साइक्लोन मैन का नाम आपको ज़रूर याद आया होना होगा, अभी मैंने आपको कुछ दो दिन पहले ही बताया था, न्यू चीफ ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ही इज़ ऑल्सो नोन बाय द नेम साइक्लोन मैन, मृत्युंजय मोहपात्रा, उनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है। एंड वायु जो हिट कर सकता है गुजरात में, हिट कर सकता है गुजरात के बारे में बेसिक चीज़ें आपको याद होंगी आई होप। कैपिटल है जी गांधीनगर, सीएम इज़ विजय रूपानी, गवर्नर इज़ ओम प्रकाश कोहली। नेक्स्ट वन इज, द व्रेकेज ऑफ विच इंडियन एयरफोर्स क्राफ्ट, एक विमान काफ़ी टाइम से फ्रॉम लास्ट वन वीक 3 जून से लापता था, इसरो की मदद ली एयरफोर्स ने, बट रडार सिस्टम यूज़ हुए, काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त के बाद फाइनली कुछ इंसिडेंट्स मिले हैं, कुछ सबूत मिले हैं, लाइक मलबा आप कह सकते हो, ब्रिकेज, तो किसके मिले हैं जी, जो 13, जिसमें 13 हमारे सोल्जर्स थे एयरफोर्स के सोल्जर जिसमें थे, तो AN-32 था जो काफ़ी टाइम से लापता था। अब कब कुछ सबूत मिले हैं, अब फुल रिपोर्ट्स आर पेंडिंग कि क्या आगे रिपोर्ट क्या होगी, बट अब फाइनली कुछ कुछ ना हमें इंसिडेंट्स मिले, अब आगे पूरी रिपोर्ट देखते हैं अब क्या होने वाला है। बट इसका नाम क्या था इस विमान का, एयरक्राफ्ट का, AN-32, ठीक है। तो ये इस तरह की पिक्चर है आपकी, ये भी आपको याद रखना है, AN-32 इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। ओके, अरुणाचल प्रदेश में इसके कुछ सबूत मिले। नेक्स्ट वन इज, विच कंट्री अनाउंस्ड ऑन 11th June 2019 टू बैन सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक फ्रॉम 2021। 2021 के बाद बिल्कुल सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैन कर दिया जाएगा। सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक डैट मीन उस टाइप का प्लास्टिक जो एक बार ही यूज़ होता है, देन उसको रिसाइकिल नहीं कर सकते। तो सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक कौन बैन करेगा जी, कौन सा कंट्री है जी जिसने डिसीजन लिया जी, यह जी कैनेडा। ओके, कैनेडा के बारे में बेसिक चीज़ें, कैपिटल इज ओटावा एंड द करेंसी इज कैनेडियन डॉलर, जस्टिन ट्रूडियो इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैनेडा। ओके, नेक्स्ट वन इज, नेम द बॉलीवुड सुपर स्टार हुज ट्विटर अकाउंट हैज़ बीन रिसेंटली हैक बाय टर्किश हैकर। कल के दिन आपने ज़रूर सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, हमारे अमिताभ बच्चन जी का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था। एंड इन पे जो इनकी डिस्प्ले पिक्चर है, डीपी पिक्चर पे हमारे, नॉट हमारे, हमारे पड़ोसी देश के प्राइम मिनिस्टर की पिक्चर लगा दी थी उस हैकर ने। तो अब
इमरान खान की, ठीक है, जितने भी पोस्ट आ रहे थे लाइक पाकिस्तान के रिलेटेड ये पोस्ट कर रहा था ये हैकर, तो किसका ये हैक हो गया था, ये हुआ था जी अमिताभ बच्चन का। ओके नेक्स्ट करते हैं। एट ट्विटर से मुझे याद आया मनीष महेश्वरी, आपको ज़रूर याद आ रहा होगा। अब आप ही मुझे बताएंगे मनीष महेश्वरी कौन है, ठीक है, तो मैंने आपको क्लू तो दे दिया, अब आप मुझे बता देना। देन नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन चाइल्डहुड इंडेक्स रिलीज्ड बाय सेव द चिल्ड्रन रिसेंटली, एक रिपोर्ट डेट वॉज पब्लिश्ड बाय सेव द चिल्ड्रन, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिस रिपोर्ट का नाम है एंड ऑफ चाइल्डहुड इंडेक्स, एक 0 से लेकर 19 साल के चिल्ड्रंस का एक उसके वेलबींग को देखा जाता है। इसमें 176 कंट्रीज थी, तो अब इसमें पूछ रहे कि हमारे भारत का रैंक क्या है, हमारे भारत का रैंक है जी 113th नंबर पे हैं हम इस रैंक पे। ओके एंड नंबर वन पे कौन सा कंट्री है जी, नंबर वन पे है सिंगापुर फॉलोड बाय स्वीडन, थर्ड नंबर इज फिनलैंड। ओके हमारे इंडिया का क्या है जी 113वां रैंक है। नेक्स्ट करते हैं, हु इज़ एट द नंबर वन इन द रिसेंटली रिलीज्ड एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल रैंकिंग, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई, तो इसमें बताना कि आपको नंबर वन पे कौन रहे जी, नंबर वन पे रहे जी जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 जीता था, जो सर्बिया गए, आई होप आप समझ गए जी, नोवैक जोकोविक। ओके नंबर वन पे हैं जी नोवैक जोकोविक। अब राफेल नडाल, ये भी आप मैंने कल ही बताया था, इन्होंने जीता है जी फ्रेंच ओपन 2019। ओके तो ये कौन सी कंट्री से हैं जी, ये हैं जी स्पेन की कंट्रीज, ज़रूर याद रखना, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है इनकी कंट्रीज से। ओके एंड इस पे नंबर वन पे कौन रहे जी लेटेस्ट रैंकिंग में, नोवैक जोकोविक। कौन सी कंट्री के हैं जी, सर्बिया के। ओके रोजर फेडरर कौन सी कंट्री के हैं जी, ये हैं जी स्विट्ज़रलैंड के। ओके एंड डोमिनिक थीम जिनका फाइनल हुआ था फ्रेंच ओपन 2019 का राफेल नडाल के साथ, तो ये कौन सी कंट्री के हैं जी, ये हैं जी ऑस्ट्रिया के, ठीक है, नॉट ऑस्ट्रेलिया, दिस इज ऑस्ट्रिया जिसकी कैपिटल है वेना। ओके एंड इसका जो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन इज इंडियन एयर फोर्स हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू प्रोक्यूर स्पाइस 2000 बॉम्ब्स, स्पाइस 2000 बॉम्ब्स हम लेने वाले हैं इस कंट्री से, जो बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक किया था हमने, एयर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, तो वही जो ये बॉम्ब यूज़ हुए थे स्पाइस 2000 बॉम्ब्स यूज़ हुए थे। अब हमने 300 करोड़ का एग्रीमेंट साइन किया किसी कंट्री के साथ, हम और लेना चाहते हैं जी, कौन सी कंट्री के साथ ये हुआ जी, इसराइल के साथ हुआ है। ओके याद रखना। एंड स्पाइस की फुल फॉर्म क्या है जी, स्मार्ट प्रिसाइज इंपैक्ट कॉस्ट इफेक्टिव बॉम्ब्स, स्पाइस 2000 इस बॉम्ब का नाम है। ओके एंड इसराइल से लेंगे, इसराइल की कैपिटल जेरूसलम एंड प्राइम मिनिस्टर इज बेंजामिन नेतन्याहू। ओके ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल एथलीट्स बॉडी विल बी रीनेम्ड एज वर्ल्ड एथलीट्स, इसका जिसका पहले नाम था अब नाम बदला जाएगा, इसका प्रेजेंटली जो नाम है इंटरनेशनल एथलीट्स बॉडी, इसका नाम बदल के कर दिया जाएगा वर्ल्ड एथलीट, तो ये आपको बताना है कि कौन सी बॉडी है जी, यह जी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलीट फेडरेशन। ओके तो ये याद रखना आपको, इसका नाम था जी पहले इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलीट्स फेडरेशन, ठीक है, अब इसका नाम बदल के क्या रख दिया जाएगा, वर्ल्ड एथलीट्स। आई होप आप समझ गए इसका प्रेजेंटली क्या नाम है जी, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलीट्स फेडरेशन, जिसके हेडक्वार्टर्स मोनाको में है, जिसके प्रेसिडेंट है सेबिस्टियन कोए, इसके एस्टेब्लिशमेंट 1912 में हुई थी, इसका नाम था जी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलीट्स फेडरेशन, अब जिसका नाम बदल के रख दिया जाएगा जी वर्ल्ड एथलीट्स, तो ये चीज़ आपको याद रखनी, हेडक्वार्टर्स इज इन मोनाको। ओके नेक्स्ट वन इज विच कंट्री विल बी इन्वाइटेड एज अ स्पेशल गेस्ट इन G7 समिट 2019, जो फ्रांस में होने वाला है, किसी कंट्री को एक स्पेशल इन्विटेशन दिया गया एंड उस कंट्री ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, कौन से कंट्री को ये इन्विटेशन मिला है जी, ये मिला है जी हमारे अपने इंडिया को, ठीक है, मोदी जी जाएंगे समिट में अटेंड करेंगे G7 समिट में, इसमें जो कंट्रीज हैं G7 सेवन कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं जी, सेवन कंट्रीज़ हैं जी, कैनेडा है इसमें, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, UK है एंड US है। पहले एक बार ये G8 भी हो गया था, लाइक इसमें रशिया जुड़ गया था, फिर रशिया को हटा दिया गया था, एंड G6 भी था, फिर उसके बाद कैनेडा जुड़ा था, तो फिर ये हो गया था जी G7 सॉरी तो कहाँ पे होगी मीटिंग, कहाँ पे होगी जी, ये होगी जी, होगी फ्रांस में, एंड इंडिया को एक स्पेशल इन्विटेशन दे दिया एंड हमारे मोदी जी ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। 2018 का G7 समिट कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था जी
कैनेडा में। ओके, अब G7 की बात आई तो G20 भी आपको याद होना चाहिए। G20 समिट कहाँ होगा जी? ये होगा जी 2019 का G20 समिट होगा जापान में। ओके, 2018 का कहाँ हुआ था जी? अर्जेंटीना में हुआ था। 2020 का G20 कहाँ होगा? सऊदी अरेबिया में होगा। तो वो चीज़ भी आपको ज़रूर याद रखनी। तो ये हो गया जी आज के करंट अफेयर्स। आई होप सारी चीज़ें क्लियर है। किसी को कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन है तो ज़रूर मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, एंड जो क्वेश्चंस पूछे थे, सीएम एंड गवर्नर्स की सीरीज चल रही है, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। तो ये आप 5 आंसर्स देख सकते हो। एंड जो आज के लिए 4 बचे हैं, आई थिंक ऑलमोस्ट कवर हो गए। तो आप मुझे बताइए कि कवर हो गए, अगर जो रह गए तो आप कमेंट करके मुझे आंसर्स बता दीजिएगा उनके। ओके, आई थिंक लास्ट 5 or 6 डेज हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं, तो आई थिंक ऑलमोस्ट सारे सीएम एंड स्टेट्स ये सारे कवर हो चुके हैं। ओके, पंजाब के बता दो, आई थिंक पंजाब हम ऑलरेडी एक बारी कर भी चुके हैं, कर्नाटका, मिजोरम एंड छत्तीसगढ़। तो ये 4 मुझे बताओ। सो डेट्स ऑल, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा ज़रूर लगा। अच्छा लगा तो लाइक करना आपने इसे, एंड इसे जितना हो सके शेयर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए ग्रेट डे।